control of our पहले ऐसे पढ़ेंगे हम रिक्वेस्ट सकते हैं तुम्हारा दिल ना घबराए तुम खुदा पर ईमान रखते हो तो मुझ पर भी ईमान रखो तुम्हारा दिल ना घबराए तुम खुदा पर ईमान रखते हो मुझ पर भी ईमान रखो दिल ना घबराए Let not your heart be troubled. तुम्हारा दिल ना घबराए दुनिया पूरी इस वक्त घबराई हुई है हर बशर घबराया हुआ है हर सियासतदान घबराया हुआ है हर लीडर घबराया हुआ है हर मुल्क घबराया हुआ है क्योंकि अभी क्या होता है कल की हो जाना है यही सोच शगिर्द खुदावन यीशु मसीह के साथ से 303 साल फिर भी घबराए रहते थे कमजोर से खुदावन यीशु मसीह पकड़ाए गए कितने शगिर्द साथ गए थे कितने गए थे कि पत्रस उड़ा जाए बनवा रहे थे उन्हें अपने वो लिखी होया सी दो दिन सब वापस आ गया सी मैं जानता ही नहीं क्योंकि वो घबरा गए थे कि अब क्या होने वाला है इसके बाद हमारी बारी आएगी छुप गए भाग गए छोड़ गए अपने खुदावन यीशु मसीह को और जब खुदावन यीशु मसीह वापस आए हमने सुना उस दिन के नाम में फिर भी घबराए हुए थे लुक के बैठे शादी ना कितने बार याद है यहाँ पर जब पहला छापा पड़ा था बड़ी से बलिया लोगों ने फोन बंद कर लिए उसके बाद इसलिए उन्हें घर नहीं जाना अरे ना जाइए मैं तो उनके घर के साथ रहता था ना मैंने फोन बंद किया ना दो मरतबा जेल भी गया मुलाकात के लिए सब लोग फिर मुझे फोन कर रहे हैं यही खबर है उस वक्त ये कतलाहट जो है बड़ी दो इंसान के अंदर इंसान घबराहट से भरा हुआ है क्योंकि इसलिए कि वो ईमान में कमजोर हो जाता है बोलता भी बहुत कुछ है शगिर्द तब खुदावन्द यीशु मसीह को दोबारा भी मिले थे तो घबराए हुए थे मान ही नहीं रहे थे जाके दो भाइयों ने जब बताया आके कि कब्र खाली है तो फिर भी जब उनके पास आए वो जाके देख भी आए फिर भी शक शुआ साढ़े 3 साल खुदावन्द यीशु आप कितने साल से उनके साथ हैं? How many years you have been with Jesus Christ? कोई बोले? 7 थे, मौजूदे देखते थे, कलाम सुनते थे, बैठनिया में 3 दिन के 4 दिन काबिल पर हो गए थे। चार दिन के मुर्दा को जिंदा किया तवारीख में कोई ऐसी मसाल नहीं है। देंगे लोगों ने देखा शगिर्दों ने देखा पहले तो वो जाने नहीं चाहते थे जब खुदावन्द यीशु मसीह ने कहा कि आओ चले तो क्या कहा उन्होंने आओ हम भी मरेंगे आओ असि भी मर सकते हो देखो उनका मान साथ सहित मौजूदे देखे क्योंकि इंसान कमजोर है गिर जाता है भूल जाता है और जब खुदावन्द यीशु मसीह वहां पहुंचे भी
कि मैंने वहां पर अफसोस के लिए कुछ लोग आए थे, बैठे थे, चल रहा था और जब उन्होंने सुना कि खुदा यीशु मसीह आ रहे हैं, यहां पहुंचे हैं, तो बाहर निकल के क्या कहती है, जे पहला तू मसीह आंदा वीर कब्र में चला जा। ये नहीं था कि वो उसे जिंदा करेगा, ये सोच नहीं थी उनकी उसको, जे पहला तू मसीह आंदा तो वीर कब्र में क्या खुदावन यीशु मसीह नहीं जानता था कि लाजर मर चुका है? क्या खुदावन यीशु मसीह पहले दिन नहीं पहुंच सकता था? आगे खुदा का चुनाव और खुदा की कुदरत साहिर हो। आपके मनसूबे आप ले सकते, मेरी रात की क्या औकात है कि हम खुदा से सवाल करें? और दूसरे गुण जो लग गए बीच में बड़े चंगा से Who are we to ask? हम कौन है? हालांकि खुदा ने इंसान को अशरफ अल मखलूक बनाया, अपने साथ बिठाया, अपने साथ खड़ा किया, लेकिन इंसान आज भी इतनी चुरत नहीं रखता कि उसको सवाल करे। आज मीं जो बह गया ताली ते कणक बाहर पई तो मैं कुछ भी खराब हो लेकिन वो फिर भी कहता आगे बढ़े जी जरा जी। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान थे, वो ये सोच नहीं रहे थे कि ये जाने वाला है। मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, अगर अगर ना होते तो मैं तुमसे अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। क्या कहता? क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ जी, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा। फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा। अगर वो ना जाता तो उसने अपना मिशन कंप्लीट किया, दरवाजा खोल दिया, इंसान से दिखाया कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की। ये नहीं लिखा कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की, क्या लिखा हुआ है? ऐसी मोहब्बत। एक और बड़ा खतरा है, नीचे जाना पड़ेगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, किस लिए? कौन सी मोहब्बत थी वो? अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाएगा क्या ना होगा, हलाक ना होगा, हमेशा की जिंदगी पाएगा। ने इंसान को हलाक होने के लिए नहीं पैदा किया। अगर यही मनसूबा होता तो वो आगे अदल में उस दान का आता था कि दूसरा फल भी खा रहे थे जो दे रहे। वक्त पर वो जिंदगी का दरख्त फिर नाप किया गया, वक्त पर वो फिर आ गया। ताके जो कोई उस पर अपना बेटा को एक और मधुर कह पाएंगे अपना बेटा कौन ना बोली जी इब्राहिम। वादा किया खुदा ने, मैं तेरी औलाद को आसमान में तारों और बेट के और एक ही बेटा था इस्माइल था, और जो मिरास उसको मिलने वाली थी उस बेटे से मिलने वाली थी जिसका वादा किया गया।
जब वो थोड़ा बड़ा 10-12 साल का हुआ होगा तो खुदा ने कहा कि टिकाने में जाके एक वो इंसान है, वो खुदा है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, इब्राहिम ने खुदा से ऐसी मोहब्बत की कि उसका हुक्म ना था। पूछा खुदा से उसने, इब्राहिम ने खुदा से मोहब्बत की और खुदा ने दुनिया से। आप क्या कहते हैं ईमानदारों का बाप देख गया, बोला नहीं, बेटे ने सवाल भी किया, छुरी भी है, आग भी है, लकड़ियां भी है, बोला कहा सब कुछ है, घर भी है, शान शौकत भी है, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, निजात कहा है? आपके पास भी सब कुछ है इब्राहिम, अमीर तरीन आदमी था, उसमें बिलियनर, सब कुछ था उसके पास, लेकिन नहीं था तो अपनी औलाद नहीं। और जब खुदा ने उसे बुला दिया तो खुदा ने उसका नाम ही बदल दिया। क्या रखा नाम? और सारा का नाम क्या था पहले? सारी। सारी से सारा, राम से यकूब से इस्राएल, तेरा नाम आज से यकूब नहीं बल्कि क्या होगा? सकरिया को किसने नाम दिया? मरियम को किसने कहा? खुदा के फरिश्ते ने कहा ये आसमानी नाम अंतरे, तू उसका नाम यस्सु रखना। लकड़ियां भी हैं, भरा भी नहीं है, पानी ले जा रहे हैं। यहां पहले लकड़ियां ना छुरी ना कुछ और पहलू भरा ढूंढने के लगते हैं। लकड़ियां भी हैं, आग भी है, छुरी भी है, भर्रा कहां? कब किया उसने? बेटे को बोला बेटा टी मशीन का मेरे पुत्र, उसकी समझ, उसका प्लान, उसका प्रोग्राम आपकी मेरी समझ से पर अजीब काम करता है, बड़े बड़े काम करते हैं, समझ तो पार कैसे हो गया जी? यदि जो इलाज देखे पान का आपका बेटा वहां पर और उसको करबानगा पर निकाल भाग सकता था, छुरी यहां पर उठा ली, बहुत सारी तालियां तक उसने इब्राहिम को अजमाइश में डाला। कभी कभी ऐसी अजमाइश हम पर दिया करती है, एन मौका पर खुदा आप पर नाजिल हो जाता है, एन मौका पर खुदा वहां पर मौजूद हो जाता है और आप हादसे से, उस मुसीबत से खलासी पा लेते हैं। बड़ी बड़ी गवाहियां हम लोग पहली गड्डी नारंग पहुंच गए,
थी ना वो इसलिए आया था, वो उस मकान में जाते आपकी कराए थे जहाँ पर हमेशा की जिंदगी थी, वो आपको फिर वापस मार देने का लगता। मैं जाता हूं, आप उनको बता रहे हैं तो क्या होंगे, मैं जाने वाला हूं और मैं जाकर क्या करूंगा, तुम्हारे लिए जगह तैयार कर दो, जगह नंबर तो पहले कमरा बना दूंगा, आपके लिए घर बनाऊंगा। इसीलिए वो आया था कि हम जिंदगी पाए और सस्ते से पाए और हमेशा की जिंदगी पाए। थोड़ी देर के लिए फिनिश। जब वो लोग जो कब्रों से उठे जा खुदा यीशु मसीह बस सलीब पर से कब्रे फिर गए 4,000 साल से कब्रों में, 3,000 होगा कोई, 1,000 होगा कोई, 2,000 से होगा कोई, 4,000 साल का रास्ता था। पहली क्या मन जाओ मुझे 2,000 साल से, बहुत जल्द वो आपको कह के जा रहा है कि मैं बहुत जल्द आने वाला हूं। अगर मेरे बाप के पास ये मिराश ना होती तो मैं तुम्हें कह के जाता भाई, अपना अपना बंदोबस्त का। मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, मुझे तो कॉलोनी बना दिया, एरिया टाउन बनाना था उसने, यस्सू टाउन बनना था, क्या कोई और नाम दिया जाता उसे, इब्राहिम टाउन कह सकते हैं हम। वो तो पूरी कायनात का मालिक है, पूरी कायनात जगह उसकी है। फिर आऊंगा आपको साथ में, आप कभी सोचे शिगिर्दों के जाने के जाने के बाद वो कितने मजबूत हुए। पूरी दुनिया में आज अगर हम मसीह हैं तो उन शिगिर्दों की वजह से। और एक वादा किया जाने के टाइम क्या किया था बड़ी साहब, मैं तुम्हें जी दूसरा मददगार घबराना नहीं, घबराना नहीं, मैं जा रहा हूं, मैं सोच दूसरा की रह पाई कौन करेगा, कौन हमारे साथ चलेगा, कौन बीमारों को चंगा करेगा, कौन मुर्दों को जिंदा करेगा। मैं तुम्हें दूसरा मददगार और जब खुदा ने वो वादा पूरा किया तो फिर खुदा का कलाम फैलना शुरू हो गए, मौजूदे होने शुरू हो गए। जब तक मसीह खुदावन की 3.5 साल की मिलादी ईमान 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 कुछ ऐसा और, जब मेरी तेरे ईमान ने तुझे चंगा किया, जब सुना जगत तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, मुझे याद है मैं पछता के मेरा गैर मानों से इतराफ नहीं है, मैंने इस चीज बड़ी बड़ी बहुत बड़ी की होता है मेरा ही नहीं किया। तरीका कार पास में डैनियल ने भी आपको बताया गलत, खुदा ने वादा किया था मैं तुम्हें दूसरा मददगार बख्शूंगा और उसने बख्शा। आज वो तरीका कार गलत है, पास्टर डैनियल ने भी आपको बताया, क्या खुदा यीशु मसीह बुद्ध से ममूल नहीं थे, तमूल लेकिन मैं शुरू He never spoke unknown tongues.
आज भी जिस तरीके से खादमी कर रहे हैं, मेरा इसी बात के खिलाफ इतनी कारो पर फटना तुम्हारा को मुकाशा पहला बार जोहन्ना की किताब है, कितना प्यारा और खुदा का दंगे मसीह का बहुत चहेता शिगिर था, बहुत ज्यादा प्यारा सलीब के वक्त यही शिगिर वहां मौजूद था। जी पहला बार से पढ़े जरा जी, यीशु मसीह का मुकाशफा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है। मुकाशफा इस बात का कि वो जो बातें जल्द होने वाली, लफ्ज जल्द है यानी वेरी सून, हाँ जी क्या होने वाला, और उसने अपने फरिश्ता को भेजकर हाँ जी उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया जी, जिसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही की यानी उन सब चीजों की जो उसने देखी थी शहादत दी। जो चीजें उसने देखी थी उसकी क्या की, गवाही दी शहादत। आज मुझे और आपको भी जो कुछ हमने खुदा के कलाम से सीखा है, सुना है, पाया है, उसकी गवाही देनी है। Go ye into all the world and preach the changeless gospel. Pastor Yusuf यही काम करते हैं, कभी हसादा, कभी रियादा। प्यार मोहब्बत था उनका। आगे इस नबुव्वत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। वो लोग जो इसको पढ़ते हैं और सुनते हैं, दूसरी बात और तीसरा अमल करते हैं, वो क्या है, मुबारक है। सुनना ही काफी नहीं है, जो पढ़ते हैं सुनते भी हैं और अमल का वक्त है जी, क्योंकि वक्त नजदीक है। वक्त क्या है, इसलिए इसने ज्यादा जी। आगे यूहन्ना की जानिब से उन सात कलीसियाओं के नाम जो आसिया में है उसकी तरफ से जो है और जो था और जो आने वाला है और उन सात रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के सामने है। कलीसिया को भी यही पैगाम दिया गया था, जो था जो है, जो मसलूक हुआ, कब्र में पड़ा, तीसरे दिन जी उठा, वो बहुत जल्द आने वाला है। आगे और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौटा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। उसी के वसीला से आपको फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। जी आगे जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी। जो हमसे मोहब्बत रखता है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी हमें हलाक करने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए। जी आगे और हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया, उसका जलाल और सल्तनत अब्दुल आबाद रहे। आमीन। आमीन। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। ये गवाही है उसकी, कलीसियाओं को ये पैगाम दिया गया उस वक्त भी और आज भी, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। यही उसने अपने शागिर्दों को कहा था, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, फिर लौट के आऊंगा। जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, भले 6000 साल हो गए।
वो भी उसे क्या करेंगे? देखेंगे। जिस जिन्होंने उसे छेड़ा था। आज मैं एक और बात आपको बता देता हूँ। जब खुदावन यीशु मसीह ने सलीब पर पाता लेते थे बोला इनको माफ कर, ये नहीं जानते क्या कर रहा था, और उस लोगों पर ये गुनाह कभी भी नहीं सादर होगा, याद रखना खुदा उनको उस गुनाह की सजा नहीं देगा कि उन्होंने खुदा यीशु मसीह को मस्त ये उनकी जिंदगी में गुनाह नहीं किया है, क्योंकि उसने कहा था बाप इनको माफ कर ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। आज भी वो यही कहता है बाप इनको माफ कर, अपने बाप के पास जाके भी यही कहता है इनको माफ कर क्योंकि मैंने उनके लिए अपना लहू बहा, इनको माफ कर। ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, कभी कभी ये नहीं जानते ये क्या कह देते हैं, या फिर भी हमें वापस इसलिए गया कि बाप के पास बैठ के मेरे और आपके लिए हमारी शिफा करो। ओके ओके आगे उस जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे बेशक आमीन। कितना वक्त और गया, 6,000 साल हो गए, और खुदावन यीशु मसीह आएगा, उसने जैसे वादा किया था मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए चला जाएगा और फिर आकर तुम्हें अपने साथ, इसलिए उसे कबूल किया है। आपने खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाए हैं, आपने वो सलीबी मौत को कबूल किया है, आपने उस लहू को कबूल किया है जो उसने बहाया मेरी और आपके लिए ताकि हम शफा पाए, ताकि हम जिंदगी पाए। वो दुनिया में बादशाह करने लोग सोचने लगे बड़े अच्छे बादशाह बनेगा, एप्पल जिस बिना कुछ है वो भी ये सब अब जो वो आएगा तो सचमुच बादशाह उसी की होगी, एक ही बादशाह होगा, एक ही पूरी दुनिया कायनात में मानव पर खालिक वही होगा, फिर दोबारा सब कुछ मलिया मेट हो जाएगा। तारीख ये बताती है और तारीख अभी भी बता रही है कि यरूशलम दोबारा बहाल होगा। सुलेमान की हैकल दोबारा तमीर होगी, जब ये शुरू होना शुरू हो जाए तब ना यीशु मसीह बहुत करीब आने वाला। अब 2,000 साल नहीं लगे और इसी सदी में सातवीं इसी सदी में सब कुछ होने वाला है। दुनिया घबराई हुई है, जंगे फसाद लड़ाइयां पंचांग काल मुसीबतें शुरू हो चुकी है, मुल्क के सरकार जो है उन्हें पता ही नहीं क्या करना है। आर यू रेडी टू गो टू जीसस? अभी भी वक्त है तौबा करने का, अभी भी वक्त है कि हम तैयार हो जाएं, वो बहुत जल्द आने वाला है। और उसने नीचे जब आना नीचे उतर के फिर नहीं तक मार करना, देख लिया ये बात क्लियर, यहां आगे नहीं देखना, मैं सुन ऊपर से आने से पहले सब कुछ उसके पास लिस्ट बनी होगी। यस 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 नो 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 यस 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 नो नो
कोशिश करें, आगे बढ़े, ईमान में मजबूत हो जाएं कि आप उस यस की लिस्ट में बने।